नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक T20 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अब तक दिल्ली सेल्टर बोर्ड जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2020 का फॉर्म जो है आप अब तक नहीं फिल कर पाए हैं, तो मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं कि आप जो है इस फॉर्म को जो है कैसे फिल कर सकते हैं और इसकी जो है क्या एलिजिबिलिटी है, इन सारी बातों पे जो है हम इस वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है मैं जो सिंपली आपके सामने जो है गूगल जो है सिंपली आपके सामने जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन होने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे जो है सरकारी रिजल्ट सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है। आपके सामने जो है सिंपली सरकारी रिजल्ट जो है सिंपली आपके सामने जो है सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सबसे पहला वाला वेबसाइट है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है ओपन हो चुका है। सिंपली आपको जो है लेटेस्ट जॉब में जाना है। लेटेस्ट जॉब में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली सेल्टर बोर्ड जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2020 जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपको जो है लिंक जो है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो पोस्ट है वहाँ पे जो है पूरी डिटेल जो आपको यहाँ पे जो है शो होने हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली सेंट्रल बोर्ड जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन फॉर्म का जो है वैकेंसीज की पोस्ट जो है आपके यहाँ पे डिटेल जो है सिंपली आपके सामने जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे 23/12 यानी कि 23 दिसंबर तक जो है ये लास्ट डेट रखा गया है। और जो इस फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो है जीरो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी जो है इस एज की बात करें जो है मिनिमम एज जो है 18 ईयर जो है होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद जो है आपका जो टोटल पोस्ट जो है 100 पोस्ट यहाँ पे जो है शो होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपको क्या करना है कि नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन का जो फॉर्म यहाँ पे जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ की जो है ऑफिशियल वेबसाइट जिसका ओपन हो चुका है। सिंपली आपको जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एंड सिविल इंजीनियरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे है, सिंपली आपको जो है यहाँ पे अपना नाम जो डालना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी जो है, मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद जो है आपको जेंडर जो है चूज़ करना है, कैटेगरी चेंज चूज करना है, एजुकेशन चूज करना है और स्ट्रीम जो है आपको चूज करना है कि आप जो है डिप्लोमा चाहे बीटेक जो है जिस भी स्ट्रीम से किए उसको जो है सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद जो है आपको पूरी डिटेल्स जो यहाँ पे भरने के बाद जो है आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड की जो है सिग्नेचर की जो साइज़ होनी चाहिए वो जो है 10 KB से 50 KB के बीच में जो है आपकी साइज़ यहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे फ़ोटो की भी साइज़ जो है 50 से जो है 150 KB के बीच में जो है इस फोटो की जी भी साइज़ होनी चाहिए। सिंपली आपको यहाँ पे सारे चीज़ जो है फिल करने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है संख्या यहाँ पे जारी हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड का जो है फॉर्म जो है सिंपली यहाँ पर भर सकते हैं।